वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं 13 रीजंस व्हाई सीजन 3 के एपिसोड 9 के बारे में। मुझे पता है कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट है, बिकॉज मैं किसी रीजन से सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा था, बट नाउ ऑल थिंग इज सेटल नाउ। बट अब बिफोर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सभी जाकर पहले इसके पास्ट के एपिसोड जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब भी सीजन 4 आए तो आप सभी उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं डायरेक्ट एपिसोड 9 की तरफ। तो जैसा कि एपिसोड 8 की एंडिंग में हम सभी ने देखा था कि क्ले मॉन्टगोमरी के कहने पर जस्टिन का फुटबॉल बैग चेक करता है, जिसमें उसको एक शेविंग क्रीम मिलती है। बट उस शेविंग क्रीम के अंदर क्ले को यहाँ पर शेविंग क्रीम के बजे ब्रायस वॉकर के नाम से एक ऑक्सी प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, यानी कि एक तरीके का ड्रग्स जो कि जस्टिन ब्रायस वॉकर के नाम से ले रहा होता है। और क्ले इस मूवमेंट को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो अब एपिसोड 9 की स्टार्टिंग ठीक इसके एपिसोड 8 की एंडिंग से ही होती है, जिसमें क्ले अब जस्टिन के पास जाकर उसी ब्रायस वॉकर के ऑक्सी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता है, ये फिगर आउट करने के लिए कि आखिर में ये दवाई जस्टिन के पास कैसे आई थी। तो जिसमें अब जस्टिन क्ले को ब्रायस वॉकर के फिनरल सेरेमनी के इंसिडेंट के बारे में उसको बताता है, जिसमें मिसेस वॉकर फिनरल के बाद अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी देती है इन द मेमोरी ऑफ ब्रायस वॉकर। और उसी पार्टी के दौरान जस्टिन को ये पिल्स ब्रायस वॉकर के रूम में मिल जाती है और वो इन पिल्स को ब्रायस के बाथरूम में खा लेता है। अब दोस्तों, अगर आप इस मोमेंट को अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहे, देन आप सभी इस सीजन का एपिसोड 6 एक बार देख लीजिए, जिसको आप ऊपर दिख रहे आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं। और इसी वजह से जस्टिन के पास ब्रायस वॉकर की ये पिल्स आ जाती हैं, और अब जस्टिन इस इंसिडेंट को क्ले के पेरेंट्स को बताने से मना करता है। तो अब नेक्स्ट शॉट में जस्टिन और क्ले स्कूल जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, तभी क्ले के पेरेंट्स और उनके लॉयर आज सुबह हुई एक बहुत ही शॉकिंग बात क्ले को बताते हैं कि शेरिफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरिफ ने क्ले का नाम ऑफिशियली ब्रायस वॉकर के मर्डर के केस से जोड़ दिया था। तो इसलिए यहाँ पर क्ले के पेरेंट्स जस्टिन और क्ले को आज स्कूल जाने से मना करते हैं। बट क्ले यहाँ पर अपने पेरेंट्स के इस बात को डिनाई करते हुए वो जस्टिन के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर ठीक लिबर्टी हाई स्कूल की तरफ ही फोकस करता है, जिसमें क्ले एलएस के पास जाकर उससे ब्रायस वॉकर के उसी ऑक्सी वाले पिल्स के मैटर के बारे में पूछता है, डिड ब्रायस एवर डील विद ऑक्सी। तो अब एलएस क्ले की इस बात को सुनकर उसको रिप्लाई देते हुए कहता है, नहीं तो कभी ब्रायस ऑक्सी बेचा करता था और न ही उसके साथ डील करता था। तो अब क्ले एलएस के जवाब को सुनकर उससे आगे पूछता है कि तुम इस बारे में इतना श्योर कैसे हो। तो जिसमें अब एलएस क्ले को जवाब देते हुए कहता है कि वो एक बार ब्रायस वॉकर के पास इसी ऑक्सी वाली पिल्स को खरीदने के लिए उसके पास गया था, बट उसने मुझे साफ मना कर दिया था। तो अब क्ले यहाँ पर एलेक्स से एक और सवाल पूछता है कि तुमको इस ऑक्सी की क्या जरूरत थी। तो अब एलेक्स नॉर्मली इस बात का जवाब देते हुए क्ले को कहता है कि एक बार जिम करते वक्त मेरे लेफ्ट लेग में हैमस्ट्रिंग हो गई थी, और उसका दर्द दूर करने के लिए मैंने ब्रायस वॉकर से ऑक्सी के लिए पूछा था, बट उस वक्त उसने मुझे ऑक्सी लेने से साफ मना कर दिया था, बिकॉज दैट पिल्स वाज टू एडिक्टिव। तो अब नेक्स्ट शॉट में एलेक्स जस्टिन के पास जाकर उससे वही ऑक्सी वाले इंसिडेंट के बारे में बात करता है कि तुम अभी भी उन ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हो और तुमको इस मैटर के बारे में जेसिका को बताना चाहिए। तो अब यहाँ पर जस्टिन जैसे ही एलेक्स की इस बात को सुनता ही है, तो वो गुस्से में एलेक्स से पूछता है कि तुम इस मैटर के बीच में जेसिका को क्यों ला रहे हो। तो अब यहाँ पर एलेक्स जस्टिन को कहता है कि वो चाहता है कि जेसिका इस मैटर के बारे में बिल्कुल जाने कि तुम अभी भी ड्रग्स लेते हो, बिकॉज शी डिजर्व ट्रूथ फ्रॉम यू। तो अब नेक्स्ट सीन में आनी क्ले के पास आकर उसको जस्टिन के बारे में एक बात बताती है, जिसमें उसका कहना होता है कि जस्टिन तुमसे ड्रग्स के बारे में झूठ बोल रहा है, बिकॉज जैसा कि जस्टिन ने तुमको कहा था कि उसने वो ऑक्सी ब्रायस होकर के फंडल में से उठाई थी और उन पिल्स को उसने सिर्फ एक ही बार ली थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिकॉज पुलिस को ब्रायस वॉकर के क्राइम सीन से उस वक्त कुछ स्टोरेट्स मिले थे जब वो ब्रायस वॉकर का पूरा रूम चेक कर रहे थे। अब क्ले जैसे ही यहाँ पर आने की इस बात को सुनता ही है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर सरप्राइज हो जाता है। तो अब नेक्स्ट शॉट में आनी और क्ले वो दोनों जस्टिन के पास जाकर उसी ऑक्सी वाले इंसिडेंट के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि उसको ये ऑक्सी ब्रायस के एग्जैक्टली किस कमरे में मिली थी। तो जिसमें अब जस्टिन आनी और क्ले को बताता है कि उसने वो ऑक्सी ब्रायस होकर के बाथरूम के कैबिनेट से चुराई थी, जहाँ पर वो अक्सर अपनी मेडिसिन रखा करता था। अब इसी बीच आनी यहाँ पर वो जस्टिन का ये झूठ पकड़ लेती है और उसको बताती है कि उसने वो बाथरूम खुद अपने हाथों से क्लीन किया था और उस वक्त उसने वहाँ पर कोई भी ऑक्सी नहीं देखी थी। तो अब जस्टिन का ये झूठ सामने आने के बाद क्ले अब उसको सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। तो अब सिन ठीक यहाँ से ठीक पास की तरफ मूव करता है,
जिसमें जस्टिन हमेशा की तरह मोंटियास कैफे में अपने पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। देन तभी उसी वक्त जस्टिन का स्टेप डैड सेथ वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसके पास अपने पैसे लेने के लिए आता है, पर जस्टिन यहाँ पर उसको उसके पैसे देने से मना करता है। तो अब इस बात को सुनकर सेथ जस्टिन के सर के ऊपर अपनी गन उसके सर के ऊपर पॉइंट आउट कर देता है, बट तभी उसी मोमेंट पर वहाँ पर पुलिस की कार आ जाती है, जिसको देखकर सेथ वहाँ से भाग जाता है, बट जस्टिन यहाँ पर अरेस्ट हो जाता है। तो अब जस्टिन के अरेस्ट होने के बाद शेरिफ जैसे ही जस्टिन को पुलिस स्टेशन की तरफ लेके आते ही हैं, तभी हमको वहाँ पर ब्रायस होकर देखने को मिलता है, जो कि जस्टिन की बेल कराने के लिए आया होता है। तो अब बेल कराने के बाद ब्रायस होकर जस्टिन से सेथ के बारे में पूछता है, बिकॉज ब्रायस होकर को ये बात उसके लॉयर से पता चलती है, क्योंकि डिप्टी सेथ के बारे में उसके लॉयर से बातें कर रहे थे। और अब ब्रायस होकर जस्टिन को उसकी हेल्प करने के लिए उसको कहता है कि अगर उसको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो वो उसके लिए तैयार है। तो अब नेक्स्ट शॉट में जस्टिन और ब्रायस सेथ के पास जाते हैं उसको उसके पैसे देने के लिए, और ये पैसे ब्रायस होकर यहाँ जस्टिन के लिए उसको देता है, और सेथ यहाँ अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाता है। अब सीन यहाँ से फिर से चेंज होकर एक रेस्टोरेंट की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर ब्रायस होकर जस्टिन से उससे कुछ सवाल पूछता है, क्योंकि ब्रायस होकर को ये बात पता चल चुकी थी कि जस्टिन अब ड्रग्स का ओवरडोज करने लग गया है। और इसी बात को फिगर आउट करते हुए ब्रायस होकर यहाँ पर जस्टिन को सलाह देते हुए उसको कहता है कि तुमको अब ड्रग्स लेना छोड़ देना चाहिए, ना दैट सीट विल किल यू वन डे। तो अब इसलिए ब्रायस होकर जस्टिन को यहाँ पर वही ऑस्किर प्रिस्क्रिप्शन देता है, जिसकी हेल्प से वो ड्रग्स का ओवरडोज लेना कम करते हैं। और यही वो मोमेंट था जहाँ पर जस्टिन के पास ये ड्रग्स आती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट की तरफ लौट आता है, जहाँ पर अब जस्टिन आनी और क्ले को आगे बताता है कि अगर उस वक्त ब्रायस होकर मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आया होता तो सेथ मुझे कब का मार चुका होता, और शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। अब इसी बीच जस्टिन आनी और क्ले को सेथ का एक मैसेज दिखाता है, और ये मैसेज उस दिन का होता है जिस दिन ब्रायस मर चुका होता है। वेल, अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद आनी और क्ले दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और अब इसी बीच जस्टिन क्ले को यहाँ पर एक आइडिया देते हुए उसको कहता है कि हम सेथ को यहाँ ब्रायस होकर के मर्डर के लिए उसको फंसा सकते हैं, और ये मुझे पता है कि ये कैसे करना है। तो अब नेक्स्ट सीन में आनी, क्ले और जस्टिन ये तीनों ही सेथ के लोकार्ट एरिया में जाते हैं ये पता करने के लिए कि ब्रायस का सेथ के साथ कोई लिंक्स थे कि नहीं। तो अब ये सभी मिलकर वहाँ पर कुछ छानबीन करने लगते ही हैं, तभी वहाँ पर आनी को ब्रायस होकर की वॉच मिलती है। तो अब ये ब्रायस की इस वॉच को लेकर पुलिस के पास जाने की कोशिश करते ही हैं, देन तभी उसी मोमेंट पर सेथ सरप्राइजली वहाँ पर आ जाता है। तो अब क्ले सेथ को वहाँ देखकर उसको कहता है कि तुमने ब्रायस होकर को मारा है, तभी तो तुम्हारे पास उसकी वॉच आई है। बट अब दूसरी तरफ सेथ वो क्ले की कही बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता, और उसको कहता है कि ये वॉच जस्टिन ने मुझे कैसे लाकर दी थी। और अब दूसरी तरफ जस्टिन वो वहाँ उस मोमेंट पर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, और बार बार क्ले को बोलता है कि ये तुमसे झूठ बोल रहा है। बट अब इसी बीच वहाँ खड़ा सेथ वो जस्टिन के इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। देन तभी वो अपनी गन निकाल कर उनकी तरफ शूट करने की कोशिश करता है, बट तभी उसी वक्त आनी वहाँ पड़ा एक बैग सेथ के राइट हैंड की तरफ फेंक देती है, जिसके कारण से सेथ के हाथ से उसकी गन छूट जाती है, और वो सभी वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। तो अब एपिसोड 9 की एंडिंग में क्ले के पास मिस बेकर का यानी कि हैना का मॉम का फोन आता है, जिसमें हैना की मॉम क्ले को इसी मैटर के बारे में बात करने के लिए क्ले को बुलाती है। और बस ये एपिसोड 9 इसी मोमेंट पर एंड हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं बहुत ही जल्द इस सीरीज का एपिसोड 10 लेकर आऊंगा।